हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं टॉप एमसीक्यू फॉर आरआरबी, एसएससी, सीडीएस, एनडीए, सीपीओ, सीआईएसएफ, बीएड, स्टेट पीएससीएस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ये क्वेश्चन जो है उन एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये एमसीक्यू कुछ इस प्रकार हैं। द वायरस विदाउट कैप्सिड बट ओनली विथ न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड ए कैप्सोमर, बी न्यूक्लियोइड, सी प्रियन एंड डी व्रियन। तो इनमें से कौन सा है जो विदाउट कैप्सिड एंड विथ न्यूक्लिक एसिड के साथ है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है न्यूक्लियोइड। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, न्यूक्लियोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल्स ऑब्टेंड फ्रॉम मिनरल्स लाइक टिंकल एंड बोराक्स इज ऑप्शन ए कैल्शियम, बी सोडियम, सी एल्युमिनियम एंड डी नन ऑफ दिस। जो मेटल ऑब्टेंड होता है फ्रॉम मिनरल्स लाइक जैसे टिंकल्स एंड बोराक्स जैसे मिनरल से प्राप्त होता है मेटल, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, उसे सोडियम कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस इज मेड अप ऑफ ए पायरक्स ग्लास, बी फ्लिंट ग्लास, सी ऑर्डिनरी ग्लास एंड डी कोबाल्ट ग्लास। तो लेंस इनमें से किससे बना होता है? लेंस हमारा बना होता है फ्लिंट ग्लास से। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, फ्लिंट ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ लाइट विद द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम ए इंक्रीजेस, बी डिक्रीजेस, सी रिमेंस अनअल्टर्ड एंड डी ड्रॉप सडनली। अगर स्पीड ऑफ लाइट है तो अगर मीडियम का टेम्परेचर, जब स्पीड ऑफ लाइट पास हो रहा है तो उस मीडियम का टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए तो उस पर क्या प्रभाव होगा स्पीड पे? तो स्पीड पे कोई प्रभाव नहीं होगा। तो इसका आंसर है रिमेंस अनअल्टर्ड। इसका आंसर है ऑप्शन सी, रिमेंस अनअल्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड इज ट्रांसफॉर्म इनटू लिक्विड इज कॉल्ड, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन है मेल्टिंग पॉइंट, बी बॉइलिंग पॉइंट, सी फ्रीजिंग पॉइंट एंड डी कंडेंसेशन पॉइंट। जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं जहाँ पे सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता है? तो उस टेम्परेचर को कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट। जिसका आंसर है ऑप्शन ए, मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर इज यूज टू मेजर ए रिलेटिव ह्यूमिडिटी, बी थर्मल एक्सपेंशन, सी एटमोस्फेरिक प्रेशर, डी नन ऑफ द एबव। जो हाइग्रोमीटर का यूज है वो किसे मेजर करने के लिए किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का यूज जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्ट ऑफ स्केलियोडॉन हैव ए वन चैम्बर, बी टू चैम्बर, सी थ्री चैम्बर एंड डी फोर चैम्बर। तो स्केलियोडॉन के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? स्केलियोडॉन एक प्रकार का शार्क मछली है, वो एक प्रकार का शार्क है। तो उसके जो हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? तो उसके हार्ट में चार चैम्बर होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, फोर चैम्बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टडी ऑफ न्यूली बॉर्न अप टू द एज ऑफ थ्री मंथ्स इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ जो न्यूली बॉर्न अप टू द एज ऑफ थ्री मंथ्स, तीन मंथ के अंतराल जो स्टडी किया जाता है किसी का बॉर्न के पश्चात, तो उसे क्या कहा जाता है? तो ए है आपका कोरोलॉजी, बी कॉन्कोलॉजी, सी नेमेटोलॉजी एंड डी नियोटोलॉजी। तो उसे कहा जाता है ऑप्शन डी, नियोटोलॉजी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, नियोटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल नेम ऑफ रेट पॉइजन इज ए जिंक ऑक्साइड, बी पोटासियम साइनाइड, सी लीड नाइट्राइट एंड डी जिंक फॉस्फाइड। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जा चुका है। तो जो केमिकल नेम ऑफ पॉइजन है, रेड पॉइजन है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है जिंक फॉस्फाइड। इसका आंसर है ऑप्शन डी, जिंक फॉस्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेडॉक्स रिएक्शन इज ए ऑब्लिक एन, ए प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन, बी आयन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सी रिएक्शन इन सॉल्यूशन एंड डी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन इनमें से किस टाइप का रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन हमारा जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसिड इज ए सब्सटेंस विच ए एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, बी डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, सी डोनेट प्रोटॉन एंड डी डोनेट OH माइनस आयन्स। तो एसिड इनमें से क्या करता है, उसका क्या मतलब क्रिया रहता है, ये इसको आपको बताना है। तो
तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, डोनेट प्रोटॉन्स। जो एसिड है वो प्रोटॉन को डोनेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन एमोंग द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन। इनमें से हमारा कौन सा है जो प्लांट हार्मोन है। तो इसका ऑप्शन है ए है इंसुलिन, बी थायरोक्सिन, सी जिब्रेलिन एंड डी एस्ट्रोजन। तो इनमें से जो हमारा प्लांट हार्मोन है उसे कहा जाता है जिब्रेलिन। इसका आंसर है ऑप्शन सी जिब्रेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द आई इज लाइक द लेंस ऑफ द कैमरा। ऑप्शन ए लेंस, बी कॉर्निया, सी रेटिना एंड डी पुपिल। तो इनमें से कौन पार्ट ऑफ आई है जो कैमरे की तरह जो है एक्ट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कॉर्निया। कॉर्निया जो आई का पार्ट है वो लेंस के कैमरे की तरह एक्ट करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट इज एन एग्जांपल ऑफ ए सेमी फ्री सॉफ्टवेयर, बी पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, सी कमर्शियल सॉफ्टवेयर एंड डी फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट इनमें से किसका एग्जांपल है? तो माइक्रोसॉफ्ट हमारा एग्जांपल है कमर्शियल सॉफ्टवेयर का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कमर्शियल सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज ए इक्वल टू द स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी, बी सिमिलर टू द स्पेसिफिक पोटेंशियल, सी रेसिप्रोकल ऑफ द स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी एंड डी रेसिप्रोकल ऑफ द स्पेसिफिक पोटेंशियल। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है इनमें से किसके बराबर है? तो ये है ऑप्शन सी रेसिप्रोकल ऑफ द स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी। जो रेसिप्रोकल मीन्स ऑपोजिट है वो स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी का ऑपोजिट होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी रेसिप्रोकल ऑफ द स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलिसिस फेनोमिनन ऑकर्स इन ए वोल्टमीटर, बी एमीटर, सी गैल्वेनोमीटर एंड डी नन ऑफ दिस। इलेक्ट्रोलिसिस फेनोमिनन इनमें से किसमें ऑकर्स करता है? तो इनमें से जो हमारा ऑप्शन डी है यानी कि यहाँ पे ना ही वोल्टमीटर पे ऑकर करता है, ना ही एमीटर पे और ना ही गैल्वेनोमीटर पे। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ ए गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स अपॉन ए इट्स लेंथ, बी इट्स थिकनेस, सी इट्स शेप एंड डी नेचर ऑफ द मटेरियल। तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी इनमें से किस पे डिपेंड रहता है? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी जो हमारा डिपेंड रहता है उसे कहते हैं नेचर ऑफ द मटेरियल। तो उसी पे हमारा जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी वो डिपेंड रहता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी नेचर ऑफ द मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द मास ऑफ न्यूक्लियस इज ड्यू टू ए इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, बी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन एंड डी ऑल ऑफ दिस। जो मोस्ट केस में जो मास ऑफ न्यूक्लियस है वो किसके कारण से होता है? मास ऑफ न्यूक्लियस हमारा होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के कारण। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ब्रांच वी वुड स्टडी बोथ अमीबा एंड प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है पैरासिटोलॉजी, बी है आपका पैरासिटोलॉजी एंड सी है प्रोटोजियोलॉजी, डी है एपिडेमियोलॉजी। तो इनमें से जो है किसमें किस ब्रांच के अंतर्गत जो है हम लोग अमीबा और प्लाज्मोडियम का स्टडी करते हैं? तो हम जो प्लाज्मोडियम और अमीबा का स्टडी करते हैं वो हमारा है प्रोटोजोलॉजी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी प्रोटोजोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाज फर्स्ट एडवोकेटेड बाय ए ऑपरिन, बी डार्विन, सी स्पेंसर एंड डी हेकल। तो इनमें से किसने जो है कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का खोज किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जो डार्विन ने हमारा जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का खोज किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डार्विन। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो RRBSSC या फिर अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए और मोर अपडेटेड वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।